सिर्फ 10 मिनट में आज हम बनाएंगे सत्तू के लड्डू, जिसमें मैं बहुत ही कम देसी घी का यूज़ करूंगी। इस बार जन्माष्टमी या राखी पर इस बहुत आसान सी रेसिपी को आप ट्राई जरूर करें। एक कढ़ाई में मैं 1 कप ले रही हूँ गेहूं का आटा। इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे 2 कप सत्तू। मैं बाज़ार से ही सत्तू लेकर यूज़ कर रही हूँ, आप भुने हुए चने को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये भुने हुए चने का ही आटा है तो इसे हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप देसी घी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा घी हम इस टाइम पर डालेंगे, बाकी बचा हुआ घी बाद में डालेंगे। 1/2 कप मैंने घी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर से इन लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इलायची पाउडर मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, अब इसमें डाल दिया है 2 कप पिसी हुई चीनी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। कढ़ाई गर्म ही है तो इसको मैं ढक दूंगी और 2-3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि चीनी का मॉइस्चर सारा आटे में आ जाए। अब 2-3 मिनट बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 कप देसी घी और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। वैसे तो जितना आटा होता है लड्डुओं में उससे 1/2 देसी घी लग जाता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और बहुत ज़्यादा देसी घी यूज़ नहीं करूँगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि हम देख लें कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप किसी भी फेस्टिवल पर ये लड्डू बना सकते हैं और बनते भी बहुत ही टेस्टी हैं। आप किसी भी शेप में इसको बाइंड कर सकते हैं, मैं इसको पेड़े की शेप दे रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियोस Facebook पर देखते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।